अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा रहबर एकेडमी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है। चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं बिना किसी टाइम पास के इम्कानी सवालात और जवाबात सकली कशिश ग्रेविटेशन साइंस वन का जो क्लास 10 उर्दू मीडियम के तलबा के लिए है। तो हमेशा की तरह बच्चे जो नए हैं यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं हम सवालात जवाबात जो पेपर पैटर्न के हिसाब से सवालात है वो कैसे सवालात आएंगे उसी के मुताबिक हम देखते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो है सवाल नंबर एक, सही मुतबादिल मुंतखिब करके मुकम्मल बयान को दोबारा लिखिए। हालांकि ऐसा सवाल नहीं आता है कि दोबारा लिखिए, आपको सिर्फ ऑप्शन चूज करके वहां पर आंसर लिखना है। तो चलिए देखते हैं, एक जिस्म का जमीन पर वजन 120 हो तो न्यूटन हो तो उस जिस्म का वजन चांद पर कितना होगा। देखो भाई, चांद पे जो वजन होता है ना, सबसे पहले एक बात याद रखो कि चांद पे जो वजन होगा ना वो जमीन के वजन का ना 1/6 गुना होगा। अगर चांद पे जो वजन होगा वो जमीन के वजन का 1/6 गुना होगा, यानी जो जमीन पे वजन होगा ना वो चांद के वजन का 6 गुना ज्यादा होगा। सबसे सीधी बात, इसको याद रखो, ठीक है। तो अब यहां पर एक जिस्म का जमीन पर वजन 120 है तो चांद पर इसका 1/6 गुना होगा, मतलब 6 से आप तकसीम कर दीजिए इसको। तो इसको अगर आप 6 से तकसीम कर देंगे तो 6 × 12 यानी 20 न्यूटन हमारा आंसर आ जाएगा, सिंपल है। अब M1 और M2 कमियत के दो अज्साम के दरमियान कुव्वत कशिश, अब दो जिस्म कहीं भी रखे हुए हैं तो उनके दरमियान कुव्वत कशिश होगी, ये न्यूटन का कानून है, वह बोलता है न्यूटन। तो किसके रास तनासुब में होगी, तो यहां पर हम देखेंगे M1 और M2 के हासिल जर्ब के रास तनासुब में होगी। कभी भी याद रखिए, जब जो जिस्म रहेंगे वो एक दूसरे को कशिश करेंगे तो वो जो हासिल जर्ब हो M1 और M2 के कमियतों का हासिल जर्ब के रास तनासुब में होती है और उनके बीच का जो फासला है वो माकूस तनासुब में होता है। इस चीज को आप याद रख लीजिए। सतह जमीन पर किसी शय का वजन डैश के बराबर होता है, भाई इसके बराबर होता है gmm/r², ये फार्मूला याद रखना है। सतह जमीन पर जब भी कोई शय रहेगी ये फार्मूले से हम उसका, ये तो r जो है ये जमीन का निष्कुत्र है, m उस शय का वजन है, ये जमीन की कमियत है, और g जो है कायनाती मुस्तकिल है। ये आप लोगों ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो वीडियो ऊपर आ रही है ग्रेविटेशन की, उसको देखिए। देखिए यहां पर वीडियो आएगी, आप उसको ग्रेडेशन की वीडियो को देख सकते हैं, उसमें सीख सकते हैं। नेक्स्ट, समंदर में पैदा होने वाले मध्य जदर का ताल्लुक डैश के शक्ली असर से होता है। भाई ये जो होता है ना, जो हाई टाइड लो टाइड समंदर में होता है, ये जमीन पर चांद से की शक्ली असर से होता है। चांद के शक्ली असर से वो जमीन के जो है ना लो टाइड हाई टाइड समंदर में जो होता है वो इस वजह से होता है। शक्ली असर की कीमत देखिए कुतुब और खते इस्तवा पर मसावी होती है, जो कभी नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों का निष्कुत्र अलग अलग होता है। कुतुब पर कम होती है, ये भी नहीं हो सकता है। खते इस्तवा पर कम होती है भाई, वो तो सकली असरा की कीमत यानी जी की कीमत खते इस्तवा पर कम होती है क्योंकि वहां पर जो है ना निष्कुत्र थोड़ा सा जमीन का निष्कुत्र बड़ा हुआ रहता है, तो खते इस्तवा हमारा आंसर आएगा। एक जिस्म की कीमत चांद पर 100 kg है तो जमीन पर उस जिस्म की कीमत क्या होगी। अब ये ना सवाल जो है ना हल करने वाले सवाल आते हैं। अब इसमें आप लोग क्या करोगे ना कि एक जिस्म की कमियत चांद पर 1000 kg है तो जमीन पर उसकी जिस्म की कमियत क्या होगी। कमियत तो पूरी दुनिया पूरी कायनात में कहीं भी चले जाओ, मार्स में चले जाओ, चांद पे चले जाओ, कहीं भी कोई भी गोले पे चले जाओ, हमारे गोले पे तो ये कमियत ऐसे ही रहेंगी जैसी है यहाँ है, तो ये रहेगा 100 kg। जिस इंसान का वजन चांद पर 9 N हो तो उस जमीन पर उसका वजन कितना होगा। जब चांद पर 9 है तो जमीन पर उसका 6 गुना होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले बताया आपको कि जमीन पे वजन चांद का 6 गुना होता है और चांद पे वजन जमीन का 1/6 गुना होता है ना, तो वहां तो यहाँ पर 6 से जरा। इंसान का वजन चांद पर 9 N हो तो जमीन पर उसका वजन कितना होगा, तो उसका वजन जमीन का जैसे मैंने बताया यहाँ पर हम 54 उसका 6 × 6 = 54, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सवाल नंबर 1 के B में जो सवाल आएंगे आपको एक एक मास के आएंगे उसमें ये ऐसा जोड़ी का दूसरे जोड़ी बराबर लिखना है, जिसमें लगते हैं बाहमी ताल्लुक कायम कीजिए, मतलब पहली जोड़ी से अगर ये है तो दूसरी जोड़ी के साथ आपको खाली जगह मिलेंगी उसमें आपको भरना है। ऐसे यहाँ पर इसको बोलते हैं पहली जोड़ी को देखते हुए दूसरी जोड़ी को मुनासिब ताल्लुक से कायम भरिए या पुर कीजिए, ठीक है। चलिए असरा बोझा कसी शक्ल मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी इकाई है, तो शक्ल का मुस्तकिल जो है वो जी हो जाएगा भाई, वो तो जी है हमको मालूम है, शक्ल का मुस्तकिल जी है। जी की कीमत अगर 6.67 × 10⁻¹⁹ N·m² / kg² कि सती जमीन पर इसकी कीमत जो होगी 9.8 m/s² होगी। ये सब सवाल
हल करने में इसकी याद रखना ये कीमतें आती है, दी भी रहती है एक्चुअल में सवाल में वो, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कीमतें दी भी रहती है। सकली कुवत, अगर उसका जी एम एम स्क्वायर अपॉन आर, तो सकली तवानाई का जो होगा जी एम माइनस जी एम अपॉन आर प्लस एच, सकली तवानाई बिल कवा, उसके लिए हम ये भरेंगे। सतह जमीन पर गुरेज सकली रफ्तार 2gm अपॉन r, ये उसका जब्ता है गुरेज सकली रफ्तार मालूम करने का। तो अगर बुलंदी पर है सतह जमीन से तो इसमें h आ गया, तो आप r में h प्लस कर दो तो हमारा पता आ जाएगा जवाब gm अपॉन r प्लस एच। बयानात सही है गलत, हर एक के लिए एक मार्क्स। खतः स्तवा पर जी की कीमत सबसे कम होती है, खतः स्तवा पर जी की कीमत सबसे कम होती है, बिल्कुल सही है भाई। देखो अभी हमने सही खाली जगह में ही भरा है उसको। गहराई के लिहाज से जी की कीमत कम होती जाती है, बिल्कुल सही है। जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे जमीन में तो उस तरह जी की कीमत भी कमी वाक्य होते जाएगी। सुतून अलीफ से सुतून बी की जोड़ियां लगाना है। गुरेज सकली रफ्तार, ये उसका फार्मूला देखो यहाँ पर लिखा है, देखो गुरेज सकली रफ्तार 2gm अपॉन r, ये लिख देंगे, इसको लगा देंगे। असरा बोझा कजेशक लवा एकदम सीधा, यहाँ पर इसकी निशान भी आपको आसानी से लगा सकते हैं आप, gm अपॉन r स्क्वायर। सकली तवानाई देखो अभी हमने लगाया यहाँ पर, यहाँ हमने लिखे थे, तो वो इसको निशान जो है इससे जोड़ी लगा देना है। सुतून अलीफ और सुतून बे की जो है हमको जोड़ी लगाना है कैपलर के कानून। तो ये कैपलर का थर्ड लॉ है, ये सेकंड नंबर जो है ना ये कैपलर का तीसरा कानून है, और इसकी जोड़ी हम इससे लगाएंगे। और फिर न्यूटन का सकली कुल्लिया, तो ये तो क्या है देख रहा अभी यहाँ पर, ये जो है एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, यानी अगर कोई सकली कुवत है तो न्यूटन क्या बोलता है, वो कुवत इन दोनों के हासिल जर्ब के रास तनासुब में होगी और जो निष्कुत्र है उसके माकूस तनासुब में, क्योंकि निष्कुत्र बटे में है तो ये माकूस तनासुब होता है, और M1 M2 रास तनासुब होता है। तो न्यूटन के सकली कुल्लिया की जोड़ी इससे लगेगी, और मरकज जो तो हमको मालूम है यहाँ पर इससे लगेगी। चलिए तो ये जोड़ियां लगा हो गई है, इसको अच्छे से याद कीजिए आप। अब हम देखते हैं सवाल नंबर एक के बी में और कैसे सवाल आते हैं। अगर जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तब जी की सकली असरा कहां पर ज्यादा होगी, गोवा के साहिल पर या एवरेस्ट की पहाड़ी की चोटी पर। देखिए आर स्क्वायर है ना, तो अब आपको पता है जैसे जैसे बुलंदी पे हम जाएंगे सकली कुवत कम होते जाती है, सकली असरा कम होते जाता है, जी की कीमत कम होती जाती है, तो गोवा के साहिल पर क्या होगा, यहां पर जो ज्यादा होगी, क्योंकि यहां पर जो है ना आर है ना, और पहाड़ी तो ऊपर हो जाती है, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो कम होंगी, तो हमको पता है कहां ज्यादा होती है, तो गोवा के साहिल पर ज्यादा होंगी, पहाड़ की चोटी पे तो जी की कीमत कम ही रहेगी, ऊपर जाते जाएंगे तो कम होते जाती है। आजादाना हरकत से जिस्म के जमीन पर गिरते वक्त न्यूटन के हरकत के कानून की दूसरी मसावत को इस तरह लिखी जा सकती है, तो न्यूटन के हरकत के कानून की दूसरी मसावत वो ऐसे आती है, इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर, इसको याद रखो, इसको हम आगे और पढ़ने वाले हैं। चलिए भाई ये क्वेश्चन है 2019 में आया है, वैसे सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है इसके अंदर से। 2019 में ये क्वेश्चन था एफ जी एम वन अपॉन डी स्क्वायर, जी एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वायर, अगर इसके लिए ये है तो इसके लिए क्या होगा आपको यहां पर भरना है। तो देखिए डी स्क्वायर है तो यहाँ 3d का स्क्वायर हो जाएगा, तो 9d स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, तो 9d स्क्वायर, बाकी सब वैसे लिखना है, बस यहाँ 9d स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, चले आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सवाल नंबर दो में आपको जो है वजूहात पूछी जाएगी। सवाल नंबर दो का अलिफ असरा बोझा कशिश शक्ल, तो यहाँ पर इतना बड़ा तो लिखेंगे नहीं, सिर्फ लिख देंगे जी, स्मॉल जी। जी की कीमत वह जमीन के मरकज पर सिफर होती है, भाई क्यों होती है, तो उसका रीजन हम देते हैं। और इसी सवाल को अगर इस तरह पूछा, जमीन के अंदर गहराई में जाते वक्त जी की कीमत में तब्दील होती रहती है, दोनों आया, दोनों में से कुछ भी आया, तो आपको आंसर यही लिखना है, मैंने शॉर्ट करके आपको आंसर बताया। आर की कीमत बतदरीज कम की जाए तो जी की कीमत बढ़नी चाहिए, क्योंकि जितना आर कम होगा उतनी जी की कीमत जो है वो बढ़ेगी। बट यहां पर क्या होता ना कि जमीन की मरकज के जानिब अगर हम जाएंगे तो जमीन का निष्कुत्र कम होते जाएगा, क्योंकि हम अंदर जा रहे हैं, है ना, तो निष्कुत्र क्या होगा, अगर ये सर्कल है ऐसा, और सर्कल मरकज से दायरे तक का फासला निष्कुत्र होता है, लेकिन अब मैं बॉडी को अंदर ला रहा हूं, जिस्म को अंदर ला रहा हूं, जमीन के अंदर घुसा रहा हूं, तो निष्कुत्र तो कम हो रहा है ना, फासला कम होते जा रहा है। तो क्या होना, जमीन के मरकज के जाने की वजह से जिस्म पर अमल करने वाली सकली कुवत का जमीनी हिस्सा भी कम होता है। तो इसका भी वीडियो आप देखिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा जी की कीमत में तब्दीली। वीडियो आ रहा है ऊपर, देखिए यहाँ पर वीडियो आ रहा है, इस वीडियो को आप देखिए, और यहाँ पर आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा जी की कीमत अंदर जाने से कम क्यों होती है, यानी मसावत 5 में इस्तेमाल एम की कीमत भी बदलती है, इसके एक असर से
जमीन के अंदर गहराई में जाते वक्त गहराई के मुताबिक जी कीमत कम होती जाती है, क्योंकि दोनों तरफ का जमीनी हिस्सा कम होता है, तो दोनों तरफ जब सकली कुवत लगेंगी तो वो कुवत कैंसल हो जाएगी, कम हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, इसीलिए धीरे धीरे जी की कीमत भी जीरो होते जाती है, कम होते जाती है और जीरो हो जाती है। किसी जिस्म का वजन कुतुब पर ज्यादा और खते इस्तवा पर कम क्यों होता है? भाई इसकी वजह लिखना है हमको। तो देखिए, जमीन की शक्ल मुकम्मल कुर्रवी नहीं हमको मालूम है, बैजवी शक्ल की है, इसलिए इसकी सतह पर मुख्तलिफ नुकात का जमीन के मरकज से फासला नुकते के मुकाबले बदलता रहता है। अब कहीं पर भी आप जाएंगे, बैजवी शक्ल अंडे की जैसी है, तब अंडे का हर सतह जो है मरकज से निष्कुत्र बराबर थोड़ी ना रहेगा, कहीं कम रहेगा कहीं ज्यादा रहेगा, ऊपर के हिस्से पे कुतबैन पे ज्यादा रहेगा, खते इस्तवा पे कम रहेगा, ये ज्यादा रहेगा, कुतबैन पे कम रहेगा, उल्टा बोल रहा हूं मैं, जरा ध्यान दीजिए। तो कुतबैन पे कम रहेगा तो जैसे जैसे मरकज से फासला नुकते का मुकाम के मुताबिक बदलता रहता है। अंडा देखो आप और उसका सेंटर ले लो और उसको पेन से बनाओ, तो आपको जो निष्कुत्र मिलेगा ना वो यक्षा नहीं मिलेगा, कहीं कम कहीं ज्यादा मिलेगा। जमीन अपने महवर के गिर्द घूमने की वजह से कुतबैन के करीब उसकी शक्ल सपाट है ना, कुतबैन से थोड़ी दबी हुई है और इस्तवा इलाके में और साइड में जो उभरी हुई है, जैसे अंडा साइड में उभरा हुआ रहता है, यानी जमीन का निष्कुत्र कुतबैन पर कम और खते इस्तवा पर ज्यादा होता है, हमको मालूम है ये, इसलिए जी की कीमत में कुतबैन पर सबसे ज्यादा यानी 9.832 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और वहां से खते इस्तवा पर जाते वक्त बतदरीज कम होती जाती है। इस्तवाई इलाके में यानी खते इस्तवा के जो इलाके में जी की कीमत सबसे कम यानी 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो उसने बोला क्यों कम होती है, क्योंकि वहां पर ये जो है ना, ये मेन पॉइंट है हमारे के फासला जो है वो हर वक्त बदलते रहता है, निष्कुतर जिसको हम कहते हैं मरकज से फासला। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ गया होगा, नहीं समझा है तो वीडियो देखिए मेरे, उसमें आपको समझ जाएगा। सवाल नंबर दो, साइंसी वजूहत बयान कीजिए मार्च 2020 में। वैसे बहुत सारे पेपर में आए हैं ऐसे क्वेश्चन, मैंने लिखा नहीं, जो जो याद था मुझे लिख दिया मैंने। जिस्मों का वजन मुख्तलिफ सैयारों पर मुख्तलिफ होता है, ठीक है। अभी मार्च 2020 का जो एग्जाम हुआ था, 21 का तो नहीं हुआ, बेचारे जो कोविड वाले थे वो चले गए। तो इसका जवाब है, वजन एक कुवत होने की वजह से एसआई निजाम में इसकी इकाई न्यूटन है। इसी तरह वजन कुवत होने की वजह से सिमती मिकदार है। इस कुवत की सिमत जमीन की मरकज की जानी होती है। जी की कीमत हर जगह यकसा नहीं होती, इसलिए शय का वजन भी मुकाम के मुताबिक बदलता रहता है, लेकिन इसकी कमियत हर जगह यकसा होती है, ठीक है। जिस्म का वजन जो है वो बदलता रहेगा लेकिन कमियत यकसा रहेगी, क्यों? क्योंकि भाई क्या होता है कि इसकी कुवत जमीन के मरकज की जानिब होती है और जी की कीमत जो है पूरे जमीन पर कहीं पर भी एक जैसी नहीं होती है, हर जगह अलग अलग मिलेंगी आपको, इसलिए भाई वजन जो है वो कभी मसावी नहीं रहेगा, हर जगह जमीन पर वजन मुख्तलिफ सैयारों पर मुख्तलिफ होता है। अगर मैं जमीन पर है, मेरा वजन 50 kg है, तो मैं चांद पे जाऊंगा तो कम हो जाएगा, हो सकता, लेकिन कमियत कम नहीं होगी, याद रखना, वजन कम होगा क्योंकि वहां का सकली असरा और जमीन के सकली असरा में फर्क है। वजन इज नथिंग बट सकली असरा, ये सकली कुवत जो जी की कीमत है उसी से खींचा जाता है वजन। सतह जमीन पर गिरने वाला जिस्म हमेशा उमूदन ही रहता है ना, आड़ा तिरछा नहीं गिरता। आप मेरा ग्रेविटेशनल का मतलब सकली कशिश का पहला वीडियो देखिए, उसमें बताया था मैंने क्यों भाई उमूदन गिरता है, तो उसका वजह देखते हम। ये तो ये ऊपर का फार्मूला लिखना आपको जरूरी है, ये फार्मूला इसलिए लिखा हुआ मैंने, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जी एम, तो जी इज इक्वल टू जी एम अपन आर स्क्वायर, इसीलिए ये वजन है और ये जी की कीमत है, ये कभी यक्षा नहीं होंगी, तो ये वजन भी जो है यक्षा हर जगह सैयारों पे मुख्तलिफ होगा। अब इसमें अगर ये पूछा है जी की कीमत खते इस्तवा पर कम और कुतबैन पर ज्यादा होती है, तो उसका जवाब पीछे भी मैंने लिखा था, जमीन अपने करीब की तमाम अशिया सकली कुवत से अपनी जानिब कशिश करती है, जमीन के मरकज कमियत उसके मरकज में होता है, इसलिए किसी भी शय पर जमीन की सकली कुवत जमीन के मरकज की सीमित होती है। हमको पता है भाई जो भी कुवत लगेंगी शक्ली कुवत वो जमीन के सेंटर से लगेंगी और कहीं से नहीं लगेंगी, इसीलिए कोई भी चीजें गिरेंगी तो सीधे सेंटर की तरफ जाएंगी, वो आड़ी तिरछी क्यों जाएगी, लिहाजा इस कुवत से शय उफक की उमूदी सीमत सीधे नीचे गिरती है। इसी तरह जब किसी पत्थर को उफक के उमूदी सीमत सीधा ऊपर फेंकते हैं, तब ये कुवत उसे नीचे की जानिब कशिश करती है और उसकी रफ्तार कम करती है। मुसलसल अमल करने वाली इस कुवत की वजह से कुछ वफके के बाद रफ्तार सिफर हो जाती है और वो पत्थर नीचे गिर जाता है, और वो गिरेगा कैसे, उमूदन गिरेगा, क्योंकि वो जो खींचा जा रहा है पत्थर वो मरकज से खींचा जा रहा है, इसलिए उमूदन गिरेगा। चलिए सवाल का जवाब हो गया। अगर किसी सैयारे पर जी की कीमत 0.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और जिस्म का सैयारे की फर्श पर आने के लिए दरकार वक्त 10 सेकंड हो, तो फासला मालूम कीजिए। देखिए ये जो सवाल बता रहा हूं मैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इतने सवाल भी कर लेंगे आप न्यूमेरिकल
तो एक ना एक तो इंशाल्लाह आ ही जाएगा इसके अंदर से। और न्यूमेरिकल जो है ना एग्जाम में वो सिर्फ एक से दो आते हैं, तो उसके ऊपर ज्यादा आप अपना टाइम पास मत कीजिए। सवालात और जवाबात को अच्छे से याद करने की कोशिश कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये जो न्यूमेरिकल है, जो जो आसान न्यूमेरिकल है आप वो कर लीजिए, बाकी मुश्किल न्यूमेरिकल पे आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ऑप्शन में बहुत है। अगर आपको पांच करना है तो आठ क्वेश्चन दिए रहेंगे, पांच में से आठ में से पांच करना है आपको, तो तीन ऑप्शन रहेंगे आप में, ऑप्शन में आप ये इसको डाल दो अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो, हाँ वरना अगर आप इसको करना चाहे तो बहुत अच्छे से कर सकते हो। अगर किसी सैयारे पर जी की कीमत ये है, ठीक है, अब देखिए जी 0.m/s उसने दिया था, हमने लिख लिए दरकार वक्त 10 सेकंड यानी टी बराबर 10 सेकंड, तो फासला यानी हमको मालूम करना है। ये देखो ये तीन इक्वेशन है, ये न्यूटन के हरकत के कवानीन की मसावत है, ये पहली का दूसरी और ये तीसरी, तो याद रखो इन तीनों को आप अच्छे से याद कर लो। जब भी ऐसा पूछा है सेकंड और फासला मालूम करना है, आप इसमें से कोई भी इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं 2 मास के लिए, तो ये 2 मास के क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं, तो आप ये तीनों फार्मूलों को अच्छे से याद कर लो। अब इसमें से कौन सा इस्तेमाल करेंगे, तो जी ए टी है, जी ए टी है, हमको फासला मालूम करना है, क्या मालूम करना है, फासला। लेकिन फासला यानी एस इसमें है, इसमें रफ्तार है, ये वी का मतलब होता है रफ्तार, तो मैं ये नहीं ले सकता, मुझे ये लेना पड़ेगा, क्योंकि ये फासला इसी में, एस का मतलब होता है फासला, डिस्प्लेसमेंट यानी फासला, एस ये याद रखो, हाँ ये यार, तो ये हमको लेना है, एस का मतलब फासला लिख लो कहीं पर भी, वी मतलब रफ्तार और टी मतलब वक्त, जी मतलब ये, इसकी कीमत दी रहेंगी, नहीं दी रहे तो मालूम भी कर सकते कभी कभी, ठीक है। चलो तो ये फार्मूला लेंगे हम, s इज इक्वल टू 1/gt². अब क्या करेंगे हम, वैल्यू रख देंगे, s मालूम करना है हमको 1/2, तो g की कीमत 0.4, 10 की कुवत 2 रख देंगे, 2 काट दो इसको यार, खत्म करो एकदम आराम से, ये स्क्वायर ले लिया मैंने, इसका कुवत ले लिया 2 × 2, 2 × 4 कर दो तो ये हो जाएगा, देखो मैंने इसको जरब कर दिया, बहुत आसान हो गया। और तो अगर आप 0.1 को 100 से जरब करेंगे ना तो आपका जवाब 40 आएगा। अब ये 40 को 2 से कर दो तो 20 आ गया भाई, 20 मीटर फासला है, क्या फर्क है इसके अंदर बताओ, कितना आसान है 2 मास के लिए सवाल। ओके चलो नेक्स्ट करते हैं। 1 किलोग्राम कमियत के एक धाती गेंद को 1000 मीटर बुलंदी से जमीन पर गिराने के लिए दरकार वक्त मालूम कीजिए, तो वक्त बोला है तो इन्हें टी मालूम करना है। अब कमियत दी गई मतलब एम दी गई है ना, जी दी गई, एक किलोग्राम धाती कमियत, चलो भाई कमियत का कुछ काम ही नहीं है यहाँ पर, 1 किलोग्राम गिराओ कि 500 ग्राम गिराओ, हमको क्या लेना है उससे, है ना। लेकिन धाती गेंद को 1000 मीटर बुलंदी से गिराया गया, तो ये जो बुलंदी है ना ये फासला है जमीन से, इसलिए 1000 मीटर, और जी की कीमत 9.8 m/s² नहीं दी है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगी। और यू जो है ना ये इब्तदाई रफ्तार है, आप कोई भी चीज को अगर मैं ऊपर से बुरुज खलीफा से गिरा रहा हूं, अगर मैं किसी चीज को बुरुज खलीफा से गिरा रहा हूं तो बुरुज खलीफा से गिराने के लिए वहां पर तो उसकी रफ्तार जीरो है ना, तो इब्तदाई रफ्तार तो जीरो रहेगी, मेरे गिराने के बाद छोड़ने के बाद उसमें रफ्तार आएंगी। अब मैं बुरुज खलीफा के टेरिस पे खड़ा हूं और एक धाती गोले को गिरा रहा हूं ऊपर से, तो मैं जब छोड़ूंगा जब रफ्तार पैदा होंगी, बाकी मेरे हाथ में जब तक है वो तो रफ्तार जीरो है ना, तो इसलिए ये यू यानी इनिशियली रफ्तार यानी इब्तदाई रफ्तार ये जीरो है, तो इसको जीरो ही लिखना, हमेशा जीरो इस्तेमाल करने का इसको। अब फार्मूला हमारे 3 मसावात में से आप आसानी से बता सकते कौन सी मसावात इस्तेमाल होगी, तो आप देखेंगे ये मसावात। अब इसमें ये यूटी नहीं है, बोलेंगे सर यूटी तो नहीं था, हाँ भाई ये ओरिजिनल मसावात यूटी प्लस 1/2 AT² है, ठीक है। तो अगर आप ये यूटी नहीं भी लिखते हैं ना तो आपको यू का कीमत क्या है, जीरो है, तो ये जीरो जरा कोई भी अदर जीरो हो जाएगी ना पूरी, तो अगर आप नहीं लिखते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आपको इसलिए बताया कि आप यहां से ये जाप्ता भी इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसा जाप्ता भी है ये एस का, एक्चुअल में ये जाप्ता ऐसे ही है, लेकिन यहां पर यू जीरो रहता है हमेशा, तो ये पूरी टर्म जो है ना जीरो हो जाती है, इसीलिए हमको यहां से यूटी हटा दिया गया है। किताब में आपको ये तीनों ऐसी मसावतें मिलेंगी, आप इसके अंदर यूटी लिख सकते हो, नहीं लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जी की जगह आप जी यानी ए जो है ना ए जी होता है, ये असरा जमीन का है और ये जी सकली असरा है, क्योंकि यहां पर सकली असरा जमीन के ससरे यानी सकली असरे की वजह से नीचे आ रही है, तो हम यहां पर जी लिखेंगे। तो देखो जीरो एस है 1000 लिख लिए, यूटी जीरो टी भाई ये तो मालूम करने का हमको दरकार वक्त, इसको ऐसे रखा मैंने 1/2, और ए यानी ये 9.8 जो जी की कीमत है वही रखना है, ए यानी असरा, जी यानी असरा, ए यानी अपना कोई भी जिस्म का असरा हो सकता है और जी यानी सकली असरा, याद रखना।
9.8 और टी स्क्वायर ये हमको मालूम करना है, सिंपल है। इसको क्या करेंगे, ये जीरो तो हट जाएगा, जीरो हो जाएगा पूरा। देखो 9.8 इंटू ये जीरो हो गया, इसको हटा दिया। अब क्या करना है, ये दो को इधर लाता हूं मैं, चलो यहीं से जरा इसको काट देंगे। दो दुनी दो चौका आठ, दो नौ अठारह, ये तो 4.9 10 टी स्क्वायर ऐसे ही है। अब इसको इधर ले जाइए आप बटे में, तो 1000/4.9। इसको हल करने का तरीका एकदम आसान है। यहाँ आशारिया है, आशारिया के बाद एक अदद है, आशारिया हटा दो, ऊपर एक जीरो लगा दो, ये हो जाएगा। देखो एक जीरो लगा दिया मैंने, एक जीरो बढ़ गया और यहाँ से आशारिया हटा दिया। जब भी नसब नुमा में नीचे आशारिया आए तो हटाने का तरीका यही है। आशारिया के बाद अदद गिनो कितने हैं, यहाँ पर आशारिया के बाद एक अदद था मैंने हटा दिया और ऊपर एक जीरो लगा दिया, बस। अब इसको तकसीम कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने देखो कितना सिंपल, दो से सात से काट दिया, सात सात उनचास। इसको आप काट के देखो, क्योंकि तकसीम जमा तो मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ यहाँ पर, और इसको तकसीम करेंगे तो आएगा 14.2 सेकंड। टी इज इक्वल टू 14.2 सेकंड हमारा जवाब आ जाएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग भाई। ये पूरा आंसर लिख लेंगे यहाँ पर, 5 ग्राम जाति ग्राम। अच्छा ये इसको हल करो, तो ये जो क्वेश्चन आपके लिए दिया मैंने सेम टू सेम है, सिर्फ चीजें बदल दिया मैंने। धाती गेंद को 1000 था, मैंने 490 कर दिया, है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं चेंज करके, जमीन पर पहुंचने कितना वक्त, सब सेम टू सेम है। अब यहाँ 10 किलोग्राम था, यहाँ 5 किलोग्राम है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। 100 ग्राम वो कई टन का भी हो, धाती गोर रहा हमसे, उससे कुछ का उसके वजन से हमको कुछ लेना देना नहीं है, है ना। बस ये जो बुलंदी है और उसका वक्त है, जी है, इनसे हमको लेना देना है। तो इसकी कीमत को इग्नोर करने का, ये कभी कंफ्यूज करने के वास्ते देता है। 5 किलोग्राम कमी है तो 5 इस्तेमाल ही नहीं होगा, यहाँ इस्तेमाल हुआ क्या 10 किलोग्राम, कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं हुआ, तो यहाँ भी इस्तेमाल नहीं होगा। इसको आप लिख लीजिए, इसको करना है आपको। 50 मीटर बुलंदी इमारत की छत से एक जिस्म गिराया गया, तब जिस्म किस रफ्तार से जमीन पर टकराएगा, यही इसमें से एक इस्तेमाल होगा, याद रखना। देखो क्या दिया था, 50 मीटर बुलंदी यानी एच हाइट, और उसी को हम बोलते हैं एस फासला, 50 मीटर, याद रखना। हाइट आया मतलब एस आया, 50 मीटर। अब जी 9.8, अब ये क्या हो रहा है, माइनस में क्यों लिया भाई, बताओ तो मुझे। 50 मीटर बुलंदी इमारत की छत से एक जिस्म को गिराया गया, इसमें देखो क्या था, 1000 मीटर बुलंदी थी, यहां जी 9.8 लिया था। अब यहां पर क्या हो गया, जी माइनस 9.8 मीटर पर स्क्वायर, और ये चलो बताते हैं अपन इसको, यही फार्मूल लेंगे हम, कौन सा, वी स्क्वायर, ये नीचे वाला। अब इसमें यू नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यू तो जीरो रहता है ना, तो हटा दो, देखो 2gs मिलेगा आपको। तो ऐसे भी ले सकते हैं आप, और ये भी ले सकते हैं, मैंने यू लेके लिया, तो चलिए यू को कीमत रख के हटा देते हैं उसको। वी स्क्वायर 2 × 9.8 × 50, अब इसकी जरब कर दीजिए आप, तो आसान से आपको ये जो मिलेगा 50 × 100 9.8। अब 100 से जरब करने का तरीका एकदम आसान है, कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो 1 0 1 अशारिया इधर बढ़ेगा और एक बार और बढ़ेगा, दूसरा कोई अदद तो है नहीं यहाँ पर, तो दूसरा कोई अदद तो जीरो लगा देंगे, तो 980 मिल जाएगा हमको। ये देखो 980। अब इसका मुरब्बा निकालेंगे हम, ये तो कुवत है ना, कुवत हटा दो, तो जजर 980, इसका जजर निकालेंगे 980 बार बार, तो इसका 31.30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका निकालिए आप तकसीम के तरीके से, जजर मुरब्बा मालूम कीजिए, आपको मिल जाएगा। हजार अरबे के तरीके से मालूम करेंगे तो आपको ऐसा पॉइंट वाला नहीं मिलेगा, तरसीम के तरीके से मिला होगा, आपने 8वीं में पढ़ा होगा, है ना। 8वीं तो पढ़ के आया आप, कितना भी कोविड है तो, लेकिन 8वीं तो पढ़ के आया आप लोग। चलो ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट, 10 किलोग्राम कमियत वाले जिस्म की जमीन से गुरेज सफली रफ्तार क्या होगी। जरा सा ये दिख रहा है ऐसे क्वेश्चन छोटा सा, तो मैंने इसको थोड़ा बड़ा, मतलब ये हल बहुत डेंजर है, हल यानी इसका बड़ा है, लेकिन कैसा है किताबों में और डाइजेस्ट में कैसा है, सिर्फ कीमत लिख के डायरेक्ट जवाब लिख देते, तो आपको समझेंगे ही नहीं कैसे आया है। तो इस सवाल को मैं समझा रहा हूं, देखो कैसे है। एम जमीन की कमियत, दी हुई यहाँ पर नहीं, तो आपको याद करना है, और सवाल में दी हुई रहेंगी, यहाँ पर नहीं दी हुई तो क्या हुआ, लेकिन सवाल में दी हुई रहेंगी। जमीन की कमियत 6 × 10^24 kg है, ये याद रखो। उसके बाद जमीन का निष्कुत्र भी आपको याद रखना है, वैसे सवाल में दिया रहेगा 6.4 × 10^6 मीटर, ये भी याद रखो, ये दोनों चीजें याद रखो, ये फिक्स है, ये कभी बदलती नहीं है, है ना। उसके बाद जी की कीमत 6.67 × 10^-11, ये जी अलग था और छोटा जी अलग था, ये जो जी है ना ये कायनाती मुस्तकिल है, और उसकी कीमत 6.67 × 10^-11 ये भी फिक्स है। ये तीनों कीमतें ना आपको याद रखनी है, या तो ये सवाल में दी जाएंगी
और अगर ये सवाल में नहीं दी जाती है तो आपको इसको याद रखना है, ये तीनों कीमतें फिक्स है। चलिए अब हम फार्मूला लेते हैं, वी एस्केप वेलोसिटी, ग्रेस सकली रफ्तार का फार्मूला है 2gm/r, अपन ने खाली जगह में देखा था वहां पर एक मार्क्स के सवाल में, उसको लेते हैं, ले लिया 2, वैसे रहेगा g 6.67 × 10⁻¹¹ m 6 × 10⁻²⁴ r, ये वाला सब कीमत रख दो, रख दिए। अब ये तो इतना तिगड़म वाला काम हो गया ना, ये इतना खतरनाक रूट के अंदर दिख रहा है जजर के अंदर, तो बच्चे यहीं से एकदम आधा उनकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वही गिर जाता। तो कॉन्फिडेंस लेवल गिराने का नहीं, मैं बताता हूँ कैसे हल करने का इसको। अगर आपको सवाल आ गया ऐसा गुरेज सकली रफ्तार और ये जाप्ता है और आपको ये तीनों कीमतें दी गई है इसमें रख दीजिए, तो पहले आपके आधे मास हो जाएंगे, सिर्फ कीमत रखने पर आपके आधा मास मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ये सबसे बड़ी पहेली है ना, ये एक बड़ा अचंभा है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखो मैं बता रहा हूं तुमको। सबसे पहले क्या करो ना, जो ये जो नंबर है ना जिनके साथ जरब है वो कुवत वालों को छोड़ो, 10 की कुवत अपन आसानी से कर लेंगे, इनको जरब कर दो यार, 6 × 12 कर दिया मैंने, एक एक करके बता रहा हूं मैं, बाकी सब देखो वैसी रहेगा। फिर मैंने क्या किया, कुवत को इधर लिख लिया। अब देखो ये क्या हुआ ना, 10 की कुवत -11 थी, 6 × 12 कर दिया, 6.67 ऐसे ही है। अब ये 10 की कुवत -11 देखो है, अब ये 10 की कुवत -6 कहां से आ गई, तो अगर हम कुवत वाले को अगर नीचे से ऊपर ले जाते हैं ना तो कुवत में माइनस लग जाता है, कुवत में माइनस लग जाता है। अब सारी कुवतें ऊपर है, नीचे कोई कुवत नहीं है, तो कुवत जब भी नीचे आएंगे उसको ऊपर लेके जाओ, प्लस में है तो माइनस कर देने का, माइनस में है तो उसको प्लस कर देने का, सिंपल एक पॉइंट याद रखने का। चलो अब इसको कैसे हल करेंगे, तो देखो क्या करना, ये 17 आ गया, अभी 17 कहां से आया, तो ये तो ऐसे ही रख रहा हूं मैं, लेकिन ये कुवतों को हल कर रहा हूं, तो जब कुवत यानी ये 10 की कुवत है, ये भी 10 की कुवत है, दोनों का असास एक जैसा है, तो कुवतों की जमा करना है। अब जमा करेंगे तो ये नफी नफी जमा, 11 और 6 = 17, लेकिन निशानी बड़े की लगेंगी, नफी निशानी नफी की लगेगी, और ये 24 जैसा था वैसा, जैसे हमने इन दोनों के साथ किया 17 आया, ऐसे इन दोनों के साथ करेंगे, तो ये जमा में 24, ये नफी में जमा नफी नफी, 24 और 17 निकालो तो जितना बचेगा देखो 7 बचेगा, 7 लिख लिया मैंने, बाकी सब ऐसे हो गए सिंपल। वैसे कुवतें आई ना तो पहले कुवतों को हल कर डालने का फटाफट फटाफट, इसमें कुवत नुमा के उसूल या इस्तेमाल होते हैं, ये जितने भी कुवत है ना अगर आप इन सबको एक साथ कर लो, ये सब की अगर जमा नफी है तो दो दो कर लेके, इसलिए बताया मैंने आपको पहले ये दोनों लीजिए, आप तीनों भी एक साथ ले सकते हो, 10 की कुवत 10 का बेस लेने का ये असास, और ऊपर जो है जमा नफी जो अभी कर डालने का, तो पहले इन दोनों को किया फिर इन दोनों को किया तो 7 आया, ठीक है। अब इसको हल करेंगे हम लोग, तो देखिए 6670 कहां से आ गया, अब ये नया तमाशा क्या आया था, मैंने क्या बताया था कि अगर आपके पास अशारिया है तो इसको अशारिया हटा दिया तो 64 हो गया, तो यहां मैंने एक जीरो लगा दिया, ये लगाया जीरो, अब ऊपर भी तो अशारिया था तो ऊपर अशारिया के बाद कितने आते थे, 2, तो ये हटा दिया तो नीचे 2 जीरो लगा दिया, ऊपर से हटेगा तो नीचे 2 जीरो लगेगा, नीचे से अशट हटेगा तो ऊपर 1 जीरो लगा, क्योंकि यहाँ अशारे के बाद 1 अदद था तो नीचे ऊपर 1 अदद 0 लगा, यहाँ अशारे के बाद 2 अदद था तो नीचे 2 जीरो लगे, एकदम सिंपल है। अब आप आसानी से 0 जीरो उड़ा सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है, 0 जीरो खत्म करो, 1 1 जीरो ये 1 जीरो ये खत्म, देखो खत्म किया, एकदम ऐसे ही सिंपल सॉल्व करने का, टेंशन लेने का नहीं है, कुछ ज्यादा अहम वो नहीं है, मुश्किल नहीं है, ओके। अब देखो सब जैसे था, अब ये क्या किया ना मैंने इसको और मुख्तसर कर दिया, 10 की सूरत में लेकर आया, 64 × 10 = 640 होता है, क्योंकि मुझे काटना है इसको मुख्तसर करना है ना, तो मुख्तसर करने का तरीका यही अच्छा है, ऊपर भी 10 है नीचे भी 10 है, इधर ऊपर 7 × 10 है, ये जो है ना 10 की कुवत 7 मतलब 7 × 10 है, 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10, तो 1 10 और 1 10 ये काट दो, क्या बचेगा, 10 की कुवत 6 होगी ना, 1 10 गायब हो गया उसके अंदर से, बाकी सब तरीका बता रहा हूं मैं हल कैसे करने का, देखो कितना बड़ा हल जाता, लेकिन ऐसे करने का आपको तो आपका जवाब आएंगे, या ऐसे अंदर डायरेक्ट किताबों में जैसे जवाब दिया हुआ है, डायजेस्ट में जैसे जवाब दिया हुआ, ऐसा नहीं चलेगा, आपको आना चाहिए कैसे हल किया जाता है। चलो अब इसको आप आराम से हल कर दीजिए ना, इन दोनों की जरब कर दीजिए, ये आ गया 64 जैसा था, ये 6 की कुवत जैसी थी, अब इसको मैंने खोल दिया तो देखो 10 की कुवत 3 क्यों आ गई, क्योंकि मैंने इसका भी जज़्रुम रब्बा लिया, 10 की कुवत 6 का जज़्रुम रब्बा, 10 की कुवत 3 और इसका जज़्रुम रब्बा 89.46, ये आपको मालूम करने का तकसीम के तरीके से मालूम होगा, ठीक है, और 64 का जज़्रुम रब्बा 8, अब इसको हल कीजिए, हमारा जवाब आ गया 11.18 × 10³ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिर्फ आपको परेशानी कहां पर होंगी इसका जज़्रुम रब्बा मालूम करने में,
अब इसके जजलुम रब्बा तकसीम के तरीके से मालूम करना है, आठवीं की किताब उठाई है मैथ्स की, उसमें तकसीम का तरीका दिया हुआ है, जजलुम रब्बा कैसे मालूम करते हैं उस तरीके से आप मालूम करें। नहीं समझे तो मुझे कॉमेंट कीजिए, तो फिर इंशाल्लाह उस पर एक बताऊंगा वीडियो के, जजलुम रब्बा तकसीम के तरीके से कैसे मालूम किया जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ अभी तो ये मीटर है ना, आपको किलोमीटर बताना है, तो किलोमीटर कन्वर्ट करने के लिए 1000 से तकसीम कर दीजिए तो 11.18 किलोमीटर हो जाएगा, बस ज्यादा कुछ टेंशन के नहीं। ये 3 0 और ये 3, ये 10 की कुवत 3 मतलब 3 × 10 है, तो ये और ये कट जाएगा तो इतना ही बचेगा 11.18 किलोमीटर पर सेकंड, क्योंकि मीटर सेकंड में था तो हमको किलोमीटर करना है, तो 1000 से तकसीम कर दीजिए, हो गया हमारा जवाब। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आ गया हमारा कुवत और वो कैसा डाटा है। चलो अगर किसी जिस्म का चांद पर वजन 100 न्यूटन तो जमीन पर जिस्म का कम होता है वजन क्या होगा, बहुत आसान सवाल है यार, ये हो सकता है इसको इम्पोर्टेंट लिख लो, आसान सवाल को इम्पोर्टेंट लिख लो, वैसे पूरी पूरा क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है। हाँ ये समझ लो, इसमें अगर पढ़ लिया तो आप आसानी से टॉप कर लोगे। W इज इक्वल टू 100 N, वजन दिया ना, वजन W वेट, G 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, Q भाई G क्या हो गया, अलग हो गया यहाँ पर। हाँ तो चांद पे है ना, जमीन पे थोड़ी ना है, चांद पे है ये, चांद का, चांद की सकली कसरा, चांद का सकली असरा यहाँ पर बदल गया, देखो इसमें क्या था जी। अगला सवाल बताओ, दूसरा सवाल बताता हूँ मैं, इसमें ये पूरा कट करना पड़ेगा जान लो, तो उसमें देखो जी क्या था ना, यहाँ 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि चांद का जी है ये, और यहाँ पर उसकी कमियत यानी एम, और जमीन पर कमियत यानी एम मालूम करना है, जमीन पर क्या वजन होगा और जमीन पर क्या कमियत होगी, तो चांद पर वजन दिया हुआ 100 न्यूटन सिर्फ, चलो लिखते हम डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, ये वेट का जाप्ता है वजन का, मास इंटू एक्सेलरेशन, कमियत जरब असरा है ना, तो W 100 उसकी जगह रख देते, M नहीं मालूम है तो मालूम करना है, ये 1.63 है, बस क्या करो यार, इधर लेकर आओ बटे में डाल, 2 0 हटाओ, यहाँ 2 अशारी हटाओ, अशारे के बाद 2 आ तो ऊपर 2 0 लगा दो, ये लगा दिया, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 61. डिवाइड भी करेंगे फटाफट डिवाइड करो, 61.349 मीटर, ये हो गया मास। अब कमियत वजन मालूम करना है, तो वजन का जब तो आप कौन लोग W इक्वल टू एम जी है ना, चलो लिखते हैं वजन, चलिए यार वजन तो मालूम ही नहीं किया मैंने, आप वजन मालूम कीजिए, इसमें क्या रखी है, एम की जगह ये रखी है 61.35 और जी की जगह ये रखी है, दोनों को जरब करके बता दीजिए, आपका एकदम आसानी से हो जाएगा। मिसाल चांद की कमियत अर्नेस्ट कुत्रो बिल तरतीब 7.34 × 10^22 और ये चांद की कमियत है ये है ना, और ये चांद का निष्कुत्र है, तो चांद की गुरेज सकली रफ्तार मालूम करना पड़ेगी आपको, तो फार्मूला तो वही रहेगा यार पूरा, देखो एम एस पूरा फार्मूला यही, और पूरा हल वैसे ही है जैसा मैंने आपको पीछे बताया, देखो यहाँ पर कैसा डायरेक्ट जवाब दे दिया ना, ऐसा जवाब नहीं, इसको आपको हल करना पड़ेगा, तो हल करने का तरीका मैंने आपको पीछे बताया है, पहले इसको ऊपर ले जाओ ये माइनस हो जाएगा, फिर कुवतों को हल करो, फिर सबको ज़रब करो, बहुत आसानी से अब आपको आ जाएगा इंशाल्लाह। तो ये सवाल है, जितने सवाल थे ये इंपॉर्टेंट है, चलिए आप सवाल नंबर 3 देखते हैं, 3 मार्क्स वाले सवाल, शक्ल से आपको कौन किन कानून समझते वाजे कीजिए, भाई ये कौन सा कानून है, ये तो कैपलर्स लॉ है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे कैपलर्स के कानून, कैपलर के कानून। चलो पहला कानून बयान करना है हमको, सैयारे का मदार बहिष्वी है, देखो ये मदार है ना ये बहिष्वी है, और सूरज उस मदार का एक नुक्ता है मास का है, तो ये सूरज इसका नुक्ता है मास का है, चलो पहला सा कानून हो गया। दूसरा कानून, सैयारों को सूरज से जोड़ने वाला खते मुस्तकीम, ये समझ लो एक सैयारा ये है, ये ए जो है ना ए, देखो ब्लू कलर में ये सैयारा है, और सूरज को जोड़ने वाला ये खत है और ये वाला खत है, तो ये दोनों खत सूरज से उसको जोड़ रहे है, तो ये जो एरिया कवर किया ना, ये एरिया यहाँ पर एक एरिया कवर किया, ये एरिया यहाँ एरिया कवर, ये सब इक्वल होंगे, जोड़ने वाले खते मुस्तकीम से यकसा वक्फा वक्त में, अगर ये यहाँ से 2 मिनट तक इसने यहाँ से यहाँ तक गर्दिश किया, यहाँ भी 2 मिनट तक गर्दिश किया, यहाँ से यहाँ तक भी 2 मिनट तक गर्दिश किया, लेकिन यहाँ पर एरिया देखो लंबा है, यहाँ भी एरिया लंबा है, यहाँ पर थोड़ा चौड़ा है, लेकिन ये सब मसावी होंगे, क्योंकि सब 2-2 मिनट पे यहाँ पर गर्दिश हुए है सैयारे है ना, ये सैयारा यहाँ से यहाँ तक 2 मिनट पे आया, ये भी यहाँ से यहाँ तक 2 मिनट पे आया, ये यहाँ से 2 मिनट पे आया, लेकिन जो एरिया कवर किया ना ये खतों ने जो जोड़ा इनको, ये मसावी होगा, इलाका रकबा तय करता है, यकसा इलाका रकबा तय करता है। थर्ड कानून, तो देखो शक्लों में ए एस कहाँ है, एस भाई देखो ये एस है और सी एस, सी एस मुस्तकीम है,
हमको मालूम है एक वक्त वक्त में यक्षा इलाका घेरते हैं, कौन सा ए एस बी, ये इलाका घेरा और इसने घोरा सी एस डी, इसने घेरा ये वाला, तो ये यक्षा इलाका है, ये कहने का मतलब हो गया। तो सिर्फ तीसरा कानून देखते हैं, केपलर का तीसरा कानून, सूरज के अतराफ मदार में गर्दिश करने वाले सैयारे के गर्दिश के लिए दरकार वक्त का मुरब्बा उस सैयारे के सूरज से औसत फासले के मकब के रास तनासुब में होता है। यानी अगर जैसा भी मैंने बताया गर्दिश कर रहा है ना, तो ये जो है उसका जो रास तनासुब है ये इसका दरकार वक्त का मुरब्बा, तो टी स्क्वायर, टी जो है वो वक्त है और फासला जो है आर है, तो टी स्क्वायर इस रास तनासुब आर क्यूब फासले से मकब के रास तनासुब में होता है। तो ये तीसरा कानून हो गया केपलर का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगर जमीन की कमियत दुगनी और निस्फुत आधा कर दिया जाए तो जी की कीमत क्या होती। तो देखिए पहले समझ लीजिए, जमीन की कीमत हम फर्ज करते हैं M2 है, ये M1 है, तब अगर मैं इसको दुगना कर देता हूं तो दो M1 हो जाएंगे, है ना। हम यहां पर वैल्यू बदल रहे हैं, कीमतें बदल रहे हैं। जमीन की कमियत अगर हम समझते हैं कि M1 है और उसको दुगनी कर दूंगा तो एक नई कमियत मिलेंगी, वो नहीं M2 रहेगी, और निष्कुत्र को आधा कर दूंगा तो पहला निष्कुत्र हम R1 लेते हैं और उसको आधा कर देंगे तो नया निष्कुत्र मिलेगा R2। तो ये जो कमियत है M2, ये जमीन की दुगुना करने पर आई, और ये जो रेडियस है R2 निष्कुत्र, ये रेडियस को निष्कुत्र को आधा करने पर आया, तो नया हमको ये दो चीज मिली M2 और R2, पुरानी वाली M1 R1 ऐसी रहेगी, है ना। तो ये ऐसी थी, इसको दुगुना कर दिया तो नया मिला, इसको आधा कर दिया तो नया निष्कुत्र मिला। अब क्या बोल रहा है कि जी की कीमत क्या होगी, अगर ये ऐसा कर दिया जाए तो जी की कीमत क्या होगी। तो चलिए लिखते हैं हम फार्मूला, वी नो दैट हमको मालूम है जाप्ता जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब ये जो जी है ना ये ओरिजिनल वाले का है, किसका, M1 R1 का, तो लिख लेते हम G1 लिख लेता उसको मैं, तो जी M1 और R1 स्क्वायर, ये फार्मूले को हमने बदले क्योंकि G1, अब दो कीमतें आ गई ना, एक दो कमियत है दो निष्कुत्र है, तो हम एक को लेंगे G1, है ना ये, और उसके बाद G2 भी आएगा हमारे पास, तो G2 भी लिखेंगे GM2 R2 स्क्वायर। अब इन दोनों की मुआवजा करो तो जी की कीमत क्या होगी वो हमसे बताना है। तो इतना तो आपको समझ गया होगा, तो अब आपको मुआवजा करना है, मतलब कीमत बताना है G2 की कीमत, तो इनका जो है ना आपको निस्बत मालूम करनी है, तो G2 बटे G1 मालूम कीजिए आप, ऐसा G2 अपॉन G1, तो देखो G2 क्या है GM2 अपॉन R2 स्क्वायर, और बटे बटे ये बटे मतलब तकसीम है, तो मैंने ऐसा लिखा उसको, तकसीम लिखा इस तरह लिखेंगे आप बटे को तो आपको आसानी से हल हो जाएगा। तो ये GM1 R1 स्क्वायर ऐसे ही है। अब मैं ये तकसीम को ना जरब में तब्दील करने वाला हूं, तो ये तकसीम जरब में कब तब्दील होगा, जब मैं इसको उल्टा कर दूंगा, इनवर्स कर दूंगा, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो ये तकसीम जरब में हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, देखिए R1 ऊपर चला गया, ये ऐसी है। अब क्या करेंगे ना हम, अब जो कीमत है ना वो रख देंगे भाई हम लोग, देखो तो क्या रखा मैंने G2 जी ऐसे ही ऐसी है, और M2 क्या था 2M1, तो उसकी जगह पे रखा M2 की जगह 2M1, R2 क्या था 1/2 R1, तो 1/2 R1, और ये कुवत जैसी थी वैसी लगी हुई है। अब ये R1 स्क्वायर तो ऐसी रहेगा, इसकी तो वही कोई कीमत नहीं है, लेकिन G1 की इसकी भी कोई कीमत नहीं, इसको भी ऐसी रखेंगे हम। सिर्फ हमारे पास जो M2 R2 की कीमत थी उसको हमने यहाँ उठा के रख दिया। अब इसमें से क्या क्या कटता है देखो जरा सा अच्छे से, पहले इसको खोल ले, काट देंगे इसको, काटो, ये तो एक कुवत एक, दो की कुवत चार, और ये जैसा था वैसा, ये जैसा था वैसा, ये जैसा था वैसा, काट दीजिए भाई इसको, देखो क्या क्या काटता हूं मैं। अब देखो क्या क्या काटता हूं, ये जी और ये जी कट जाएगा, हाँ भाई कट गया, ये M1 ये M1 कट जाएगा, हाँ कट गया, यहाँ क्या बचा दो, तो ये दो लिखा हुआ है। अब ये R1 स्क्वायर ये R1 स्क्वायर कट जाएगा, तो बचा क्या 1/4 1/4 है कि नहीं है, जी भी कट जाएगा M1 भी कट जाएगा, इधर ऊपर दो बचेगा, यहाँ 1/4 बचेगा। अब ये चार को ऊपर लेके चले जाओ आप, तो नीचे बटे में एक रहेगा, तो यहाँ पर 2 × 4, बटे में एक कोई काम का नहीं है इसलिए उसको लिखते नहीं है, ये ऊपर गया तो 2 × 4 हो गया, 2 × 4 = 8। अब ये G1 को इधर लेके चले जाओ तो 2 × 4 = 8, यानी 8 × G1। तो अगर हम इसको अगर जमीन की कमियत को दुगना कर देंगे और निष्कुत्र को आधा कर देंगे तो जो नई G2 की कीमत आएगी वो पहले G1 से 8 गुना ज्यादा आएगी, सिंपल,
ये तो मालूम करने के लिए उसने कहा था हमको, 3 मास का सवाल है, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया इसको आपको। तो ठीक है, ये हमारा यहाँ पर पूरा क्वेश्चन बैंक खत्म हुआ है, उसके आंसर भी खत्म हुए है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसका PDF आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से PDF डाउनलोड कीजिए। थैंक यू।